सीबीआई की तरफ से दर्ज केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। केजरीवाल को 12 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में राव जेमिनी कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा है। सीबीआई ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री जांच में सहयोग नहीं कर रहे। पूछताछ के दौरान अरविंद केजरीवाल का जब सबूतों से सामना कराया गया तो उनके मद्देनजर पूछे गए सवालों का उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल ने इसका कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया कि नई आबकारी नीति में आखिर होलसेल प्रॉफिट का मार्जिन 5 से 12% बढ़ाने की जरूरत क्या थी। इस बारे में कोई अध्ययन या आधार के बिना ऐसा फैसला क्यों लिया गया। सीबीआई ने कहा कि जब कोविड की दूसरी लहर पूरी पिक पर थी तब ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि संशोधित आबकारी नीति के लिए एक दिन के अंदर ही सर्कुलेशन के जरिए कैबिनेट की मंजूरी हासिल की गई। ये तब हुआ था जब साउथ लॉबी के लोग दिल्ली में ही मौजूद थे और विजय नायर के साथ मीटिंग कर रहे थे। केजरीवाल से विजय नायर की शराब कारोबारियों के साथ मीटिंग और उसकी तरफ से आबकारी नीति में मनमाफिक बदलाव की एवज में जब रिश्वत की मांग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका कोई सीधा सा जवाब नहीं दिया। सीबीआई की कस्टडी एंड हो रही थी तो आज उन्होंने उनको प्रोड्यूस किया था अरविंद केजरीवाल जी को। सीबीआई ने फर्दर पुलिस कस्टडी नहीं सीख करी, जुडिशियल रिमांड सीख किया था जिसको हमने अपोज किया। हमने कहा कि सीबीआई के पास कोई ग्राउंड नहीं है कि उनको जो है फर्दर जुडिशियल रिमांड में भेजा जाए। कोर्ट ने सीबीआई और हमारे को सुनकर अरविंद केजरीवाल जी को आज से 14 दिन के जुडिशियल रिमांड में भेजा है। अब अरविंद केजरीवाल जी को 12 तारीख को 12 जुलाई को फिर दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो इस वक्त अरविंद सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, आज सीबीआई की तरफ से 3 दिनों की कस्टडी के दौरान क्या कुछ हासिल हुआ पूछताछ में उसको कोर्ट के समक्ष बताया गया। मूल जो मैं समझ पाया कि सीबीआई ने कोर्ट को ये कन्विंस करने की कोशिश की है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे और जो तथ्य हैं उन तथ्यों को झुठला रहे हैं। बातें थी जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स थी वो आपने दर्शकों तक साझा की, यही रिमांड अर्जी में लिखा गया है सीबीआई की तरफ से। और सीबीआई की तरफ से बताया गया है कि जिन सबूतों के साथ उनका आमना सामना कराया गया उसके बारे में जो सवाल उनसे पूछे गए उनके सीधे सीधे जवाब देने से कतरा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आखिर जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको 5% से 12% बढ़ाने की वजह क्या थी, बिना किसी आधार के बिना किसी स्टडी के ऐसा फैसला क्यों लिया गया, इसके बारे में कोई संतोषजनक जवाब उन्होंने नहीं दिया। जब उनसे विजय नायर के बारे में पूछा गया कि विजय नायर जब शराब कारोबारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे, उनसे शराब नीति में मनमाफिक बदलाव के लिए रिश्वत की मांग कर रहे थे, जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो इस बारे में भी उन्होंने कोई जवाब संतोषजनक नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल से ये भी पूछा गया कि आखिर नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर के कैबिनेट की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए सिर्फ एक ही दिन में हासिल करने की जल्दबाजी क्यों थी, और ये ऐसे वक्त में हुआ जब साउथ लॉबी के लोग दिल्ली में मौजूद थे, और ऐसे में आखिर ऐसी जल्दबाजी क्या थी कि जब कोविड की दूसरी लहर पूरे पीक पर थी तब एक ही दिन के अंदर कैबिनेट की मंजूरी हासिल कर ली गई। इसका भी कोई संतोषजनक जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं दिया गया। जब उनसे पूछा गया गोवा में 45 करोड़ रुपए जो आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार में खर्च किए गए तो उसका भी उन्होंने कोई जवाब सीधे तौर पर नहीं दिया। और जब अरविंद केजरीवाल से पूछा गया मंगूटा के साथ मीटिंग को लेकर के, जो दूसरे आरोपी हैं उनके साथ मीटिंग को लेकर के, तो इस बारे में भी वो सवालों का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ऐसा सीबीआई का कहना है। तो सीबीआई का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जो सबूत इस मामले में जांच एजेंसी के पास मौजूद हैं उनसे उलट जाकर के वो बयान दे रहे हैं। और सीबीआई का ये भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक रसूख बहुत बड़ा है, वो दिल्ली के सीएम हैं, और ऐसे में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अभी जांच अहम मोड पर है और अभी भी बहुत सारे जो डिजिटल एविडेंस हैं उनको रिकवर किया जाना बाकी है,
बहुत अहम गवाहों की गवाहियां अभी बाकी हैं, तो ऐसे में जो संभावित गवाह हैं या जो संभावित सबूत हैं जिनको हासिल किया जाना अभी बाकी है, उनके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल, तो ऐसे में उनको जेल भेजा जाना चाहिए, ऐसा सीबीआई की तरफ से कहा गया और सीबीआई की तरफ से रिमांड की मांग हालांकि नहीं की गई। तो चूंकि सीबीआई ने रिमांड की मांग की नहीं थी, रिमांड एक्सटेंशन की मांग नहीं की थी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई जमानत अर्जी अभी कोर्ट में दाखिल नहीं है, तो ऐसी सूरत में ये बिल्कुल तय था कि अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में भेजे जाएंगे और वही कोर्ट का आदेश भी रहा। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस बातचीत के लिए।